नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक BSNL कंपनी का मॉडम है। इसका कनेक्शन मैं ले रखा हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि रेड लाइट आ रही है, पावर वाली भी हमारी लाइट ठीक है, DSL यानी कि जो बाहर से लाइन हमारी आ रही है कॉपर वाली वो भी बिल्कुल सही है, इंटरनेट वाली रेड है। इसका मतलब कि बाहर से तो लाइन ठीक है लेकिन अंदर मॉडम में ही कहीं गड़बड़ी है, या तो मॉडम में गड़बड़ी है या फिर एक्सचेंज से भी गड़बड़ी हो सकती है। लैन 4 मैंने कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखा है और वायरलेस भी हमारा बिल्कुल ऑन है, WLAN लिखा हुआ है इसमें। अब सारी लाइटें फिर से देख सकते हो, पावर वाली DSL इंटरनेट लैन 4 इंटरनेट वाली रेड आ रही है। जब तक ये ग्रीन नहीं होता हमारा नेट बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इस मॉडम को मैंने इथरनेट केबल से, ये पीली वाली केबल है, इथरनेट केबल से कंप्यूटर को जोड़ रखा हूँ। ये हमारी वो लाइन है जो इंटरनेट दे रही है, ये वाली एक्सचेंज से आ रही है, बाहर से ये वाली लाइन आ रही है और कंप्यूटर से मैंने जोड़ रखा है लैन 4 में। ये हमारा कंप्यूटर है। तो चलिए चलते हैं अपने PC पे और इस मॉडम की सेटिंग देखते हैं क्या गड़बड़ी है इस मॉडम में। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर पर आ गए हैं और मॉडम को हम प्लग करते हैं लैन केबल से कंप्यूटर में। आपको ये जो है यहाँ पर इनेबल्ड आइडेंटिफाइंग और नेटवर्क आपका शो करेगा। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क कंप्यूटर और मॉडम में बन गया है। अब आप मॉडम की सेटिंग कर सकते हो। मॉडम की IP होती है 192.168.1.1। यहाँ से आपका मॉडम ओपन हो जाएगा। मॉडम में लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड चेंज किया हुआ है। पासवर्ड यहाँ पर है, मैं देखता हूँ ट्राई करके। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों एडमिन एडमिन होता है, उससे आपका रिसेट करने पे वो एडमिन एडमिन हो जाएगा। क्योंकि मॉडम की सेटिंग पहले से की हुई है इसलिए लॉगिन पासवर्ड चेंज हो गया है। आप यहाँ से देख सकते हो कि SNR काफ़ी अच्छी आ रही है, 10 Mbps की स्पीड है। पर ये रेड लाइट क्यों आ रही है? रेड लाइट के लिए हम जाएंगे इंटरफेस सेटअप पे और इंटरनेट की सेटिंग, और यहाँ पे हम चेक करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड। BSNL के लिए 0, VCI VPI 0 और 35 होनी चाहिए। ट्रिपल पी ओ ई मोड में होना चाहिए। और ये यूजर नेम, ये गलत भरा हुआ है। यूजर नेम आपका यहाँ पे होना चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेटेड इलिटरेट। और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है PASSWORD। सर्विस नेम में आप BSNL भर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। एजुकेटेड इलिटरेट, एक ही भी लेटर इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रेड लाइट दोबारा आ जाएगा। इस सेटिंग को हम कर देते हैं सेव। सेटिंग सेव हो चुकी है। आपको एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको वाईफाई का पासवर्ड बदलना है तो वायरलेस में जाओ। आप वायरलेस में आपका ये SSID BSNL J4 लिखा हुआ है, इसे आप चेंज कर सकते हो, जो कि आपके मोबाइल पे शो करेगा। और पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हो, प्री शेयर्ड की, जो भी BSNL 1 2 3 4 है। फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ और दोबारा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं। यूजर नेम आपका है एजुकेटेड, दोबारा जूम कर देता हूँ मैं। यूजर नेम पासवर्ड बिल्कुल सही होना चाहिए, एजुकेटेड इलिटरेट और पासवर्ड में पासवर्ड। तो हमारे मॉडम की सेटिंग हो गई है। स्टेटस पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि SNR देखिए और भी अच्छी होती जा रही है और डाटा रेट भी 10 Mbps की स्पीड है। तो ये था हमारा मॉडम की सेटिंग। और अब चलते हैं वापस मॉडम पे, देखते हैं कि रेड लाइट गई है या नहीं। चलिए वापस चलते हैं। तो वापस हम आ गए अपने मॉडम पे, देखते हैं ये रेड लाइट जाती है या नहीं जाती है। अगर आपके मॉडम की सेटिंग बिल्कुल सही है तो रेड लाइट चली जानी चाहिए। चली गई, इसके मतलब इंटरनेट आपका बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस केस में सिर्फ मॉडम की सेटिंग में गड़बड़ी थी, जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड ठीक करके सही कर लिया। अगर एक्सचेंज से कोई गड़बड़ी होती है तो आपको एक्सचेंज में जाकर फिर कंप्लेन करना पड़ेगा। आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।